अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाय, वेलकम टू माय चैनल शाहीन सुल्ताना कुक विद शाहीन सुल्ताना। तो आज मैं हैदराबादी दम का तला हुआ गोश्त बना रही हूँ, जो हर कोई इसे ट्राई कर सकता है आसानी से, चाहे वो बैचलर हो या सिंगल्स हो या कोई भी हो, चाहे बिगिनर्स हो, इजीली इसे शॉर्ट एंड बेस्ट आप लोग बना सकते हैं और खा सकते हैं मज़े से। तो देर किस बात की है, चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। 300 ग्राम मैंने गोश्त लिया है मटन, आप बीफ भी ले सकते। और उसमें मैंने अभी सूखे मसाले जाएंगे, जिसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून अदरक लहसुन, 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून मिर्च है। आप अपनी हिसाब से ले सकते नमक, और ये जायके के हिसाब से आप ले सकते, टेस्ट आप जैसा है वैसा। 1/2 टीस्पून टर्मरिक यानी हल्दी है। तो अभी हम ये मसाले इसमें डालकर, देखिए अभी डालकर इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। अच्छे से मिलाइए पूरा गोश्त में ये मसाला ले जाना, और इसे हम एक 5 से 10 मिनट तक हम रेस्ट देंगे। पूरा अच्छे से मिक्स कीजिए, नमक मिर्च हल्दी अदरक लहसुन सब एक ही दम इसमें पूरे डालना है आपको। देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, यानी पूरा मैरिनेट कर लिया है। तो अभी इसे हम ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। मैंने अभी अपनी कढ़ाई को गरम कर लिया है तेल डालकर, इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल है, कुकिंग ऑयल। अब मैं ये गोश्त इसमें छोड़ूंगी मसालेदार। 10 मिनट हो चुके हैं, अभी हमें फ्राई की तरफ करना है। ये अच्छे से मैरिनेट हो गया। ये 1 ग्लास पानी डाले हैं, ये ग्लास से मैंने 1 ग्लास पानी इसमें डाले हैं गलने के लिए, गोश्त गलने के लिए। मटन को थोड़ा अच्छे से गलाना पड़ता है, और अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे ढककर हमें गोश्त को दम देना है, यानी गलाना है टेंडर मीट में। चलिए अभी हम इसका हाल क्या है देखते हैं। तो देखिए पानी पूरा सूखने लगा है। अभी इसके दरमियान में हम इसको इसमें हम थोड़ा सा अच्छे से हिला लेंगे, तो ये करीब करीब आ गया है तले जाने के लिए, और गोश्त भी अच्छे से देखिए गल गया है, यानी हमारे खाने के काबिल है। अब इसमें हम ये हरी मिर्ची और कोरिएंडर ग्रीन हरा धनिया जो डाल रही हूँ मैं इसमें, कोरिएंडर लीव एंड ग्रीन चिल्ली 1/2 कट है। मैंने होल 2 हरी मिर्च ली थी, और मैं इसके अंदर अभी फ्राई करूँगी। और मैं जो हमारा घर का हरा गरम मसाला रहता है वो 1/2 टीस्पून है, देखिए फुल नहीं है, आधा टीस्पून है, वो ऐड करेंगे अभी। तो इसमें ये पूरा दम का गोश्त, हैदराबादी ईजी दम का गोश्त, यानी कोई भी कॉमन आदमी यानी आम आदमी जो गरीब है जो मिडिल क्लास है वो इजीली इसे पका के खा सकते, यानी घर के मसालों से शानदार डिश बना के शॉर्ट एंड बेस्ट खा सकते, क्योंकि सबका हक है भाई हर डिश पे रिच डिश होना। तो आम आदमी के लिए मुश्किल है, थोड़े इंग्रेडिएंट्स लोग को मालूम भी नहीं है, तो इसलिए मैं ये डिश बना रही हूँ गरीबों के लिए और मिडिल क्लासियों के लिए, जिसके पास ये हर मसाला घर पर इजीली मिल जाएगा और बन जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया, जस्ट 10 मिनट्स जस्ट दीजिए 10 मिनट्स में आप फ्राई 7 मिनट्स होंगे 10 मिनट सॉरी 7 मिनट्स में डिश आपकी कंप्लीट होगी। आगे बस गोश्त में 1 ग्लास पानी डालिए,
गोश्त अच्छा सा गल जाएगा और देखिए कितनी खुशबूदार महक आ रही, एकदम ऐसा लग रहा है जैसा कि हम कुछ शाही डिश खा रहे हैं। इतनी अच्छी खुशबू मेरे घर में महक रही है। इंशाल्लाह आप सबको ये पसंद आएंगी, आप ज़रूर बनाइए दाल के। तो देखिए कितनी टेस्टी डिश बनकर आपके सामने तैयार है, यानी तलावा गोश, दम का तलावा गोश आपके सामने तैयार हो गया है और खाने में लाजवाब है, यानी आपको बेहद पसंद आएगा। और ये हर एक सिंगल्स के लिए भी है, बैचलर्स के लिए है, जो भी बनाना चाह रहा है ईजी बनाइए और खाइए। देखेंगे हम टेस्ट करके अभी इसके, इसको मैंने टेस्ट कर रही हूँ, देखिए इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई आपको इतना पसंद आएगा, आप दाल चाय या चावल कढ़ी, आप कौन सी भी चीज़ के लिए साथ कर आप ले सकते, खा सकते, इतनी टेस्टी बनी हुई रेसिपी। बस गोश्त आप थोड़ा सा नरम लाइए तो आपको पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन खाने में तो लाजवाब है, इतना जायकेदार, इतने मज़ेदार बने हैं पूछो मत। तो लाइक करना मत भूलिए, मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी डिश को सब्सक्राइब कीजिए। चलती हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।